तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत और आपका स्वागत है टी बाई जी सॉफ्टवेयर गुरु के बिल्कुल फ्रेश टू कमाल के सभी शोट के अंदर। एंड दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं रियलमी की C11 के बारे में। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि भैया फिर से रियलमी C11 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फाइनली आज आपका रियलमी C11 एक इंडोनेशियन वेबसाइट है जिसका नाम है कैसे लाजादा। वो एक शॉपिंग वेबसाइट है, जैसे अपने इंडिया में फ्लिपकार्ट और अमेजोन होती है, वैसे वहाँ पे गाइस एक वेबसाइट है जिसका नाम है गाइस लाजादा। लाजादा एक ऐसी वेबसाइट है जिसके अंदर आप लोग गाइस मतलब शॉपिंग करते हो, वो गाइस इंडोनेशिया के लिए होती है। सो दोस्तों, आज उसमें फाइनली गाइस जो आपका रियलमी C11 उसके ऊपर आपका रजिस्टर हो चुका है दोस्तों, उसमें अंदर आपकी सारी स्पेसिफिकेशन रिवील हो चुके हैं रियलमी C11 के, एंड बता चुके हैं कि भैया क्या कुछ खास है रियलमी C11 के अंदर। एंड बता दूं, इस फोन की गाइस इंडोनेशिया के अंदर पहली सेल है गाइस 1 तारीख को, मतलब कि जो आपकी 1 जुलाई है उसके अंदर आपकी रियलमी C11 की उनकी फर्स्ट सेल भी है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि जो रियलमी C11 उसमें आपकी स्पेसिफिकेशन क्या क्या है, मतलब जो कि कन्फर्म है, मतलब कि कन्फर्म स्पेक्स क्या है। एंड दोस्तों, ये फ़ोन भैया कब तक आपको इंडिया में देखने के लिए मिल सकता है। सो दोस्तों, आज की इस पूरी वीडियो को आप लोग एंड तक देखना। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ऑफकोर्स लाइक कर देना, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही उस बगल वाले बेल आइकन को करना ताकि आप हमारे आने वाली किसी भी वीडियो नोटिफिकेशन को कभी मिस ना कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, और हम बात करते हैं रियलमी C11 के बारे में। सो दोस्तों, स्टार्टिंग करते हैं रियलमी C11 कैसे डिज़ाइन के साथ। आप सबको पहले ही पता होगा कि डिज़ाइन कैसे, जो दोस्तों मैं आपको एक इसकी एक क्लियर फोटोज़ दिखा देता हूँ जो कि ऑफिशियल फ़ोटोज़ हैं। इसमें आप सही देख पा रहे हो कि जो आपका फ्रंट साइड है वहाँ पे आपको दोस्तों वाटर ड्रॉप नोज दी जा रही है, साथ ही बैक साइड में आपको भाई अगर आप बैक साइड में अपर साइड देखोगे तो वहाँ पे आपको ऐसे एक कैमरा कई आपके डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे एक LED फ्लैश भी है। तो दोस्तों चलिए, ये बात तो हुई फ़ोन को डिज़ाइन को लेकर, चलिए बात करते हैं इस फ़ोन की भाई ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप स्पेक्स की बात करते हो तो बता दूं, इस फ़ोन के अंदर आपकी जो डिस्प्ले है वो है दोस्तों आपका 6.5 इंचेस का HD+ वाला डिस्प्ले, जो कि आपका बेस है 270 PPI पर और एक IPS LCD पैनल। जी हाँ दोस्तों, इस फोन के अंदर आपको एक IPS LCD पैनल मिलता है जो कि आई थिंक काफ़ी ठीक भी है। दोस्तों बात करें इस फ़ोन की, हम लोग ऐसे मतलब कि प्राइस क्या होगा दोस्तों, अभी मैं आपको बता दूं कि इसका प्राइस इंडोनेशिया में रिवील नहीं किया गया। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो प्राइस है वो अभी तक इस रिवील नहीं हुआ है, बट दोस्तों 1 तारीख को इसका प्राइस रिवील हो जाएगा। एंड अगर आपको इसका ऑफिशियल प्राइस जानना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर आके फॉलो कर सकते हो, मैं वहाँ पे आपको 1 तारीख को ही आपको स्टोरीज में बता दूंगा कि एक्चुअली इसका प्राइस क्या है। बट अभी दोस्तों इस फोन के अंदर प्राइस नहीं बताया, बट दोस्तों इस फोन में आपके जो वेरिएंट है वो पता चल गए। इस फोन का दोस्तों जो आपका पहला वेरिएंट है वो है दोस्तों आपका 2GB 32GB, एंड जो दूसरा वेरिएंट है वो है दोस्तों आपका 3GB 32GB, मतलब कि जो इसका गाइस आपका सस्ता वाला वेरिएंट है उसमें आपको देखने को मिल जाएगी 2GB RAM और 32GB की इंटरनल मेमोरी। वहीं आपको दूसरे वाले वेरिएंट में देखने को मिल जाएगी 3GB RAM और 32GB की इंटरनल मेमोरी। एंड दोस्तों भाई, काफ़ी लोग इंडिया में कह रहे थे कि भैया इस फोन का एक ही वेरिएंट आएगा, तो उन्हें बता दूं नहीं भैया, इस फोन के भी भैया 2 वेरिएंट आने वाले हैं इंडिया के अंदर। एंड दोस्तों बात कर रहे हैं हम लोग इस फोन के बैटरी बैकअप के बारे में, तो बता दूं इस फोन में आपको देखो मिलेगा 5000 mAh का बैटरी बैकअप, जो कि आपका फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करेगा। एंड दोस्तों हम बात करेंगे इस फोन के कैमरे के बारे में, तो बता दूं इस फोन में आपको ऐसे जो आपके मेन कैमरा है वो है दोस्तों आपके 30+2 MP के AI डुअल प्राइमरी कैमरा। साथ ही बात करें फ्रंट कैमरे के बारे में, तो बता दें फ्रंट में भी आपको दिया जाता है एक सेल्फी कैमरा, जो कि आपका वाटर ड्रॉप नॉच के ऊपर आता है। दोस्तों इसके बारे में अगर मैं आपको अपनी तरफ से बताऊं तो कोई अपडेट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसके जो आपका फ्रंट कैमरा है उसको लेकर कंपनी ने कोई अपडेट नहीं दी, बट गाइस अगर आप एक अंदाज़ा लो तो भाई 8 MP का इसका फ्रंट कैमरा होने वाला है, 8 का होगा या फिर 5 का होगा। एंड दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट कर देता हूँ कि आपको क्या लगता है। एंड दोस्तों बात करें हम लोग इस फोन की अगर एंड्रॉयड वर्जन के बारे में, तो बता दूं जो आपका एंड्रॉयड 10 के साथ आने वाला है। साथ ही दोस्तों बात करें इस फोन की हम लोग प्रोसेसर के बारे में, तो बता दूं इस फोन में आपको मिल रहा है MediaTek का हेलियो G35 वाला प्रोसेसर, जो कि आपका बेस है ऑक्टा कोर के ऊपर। एंड दोस्तों इस फोन में जो आपको सिम स्लॉट मिलेगा वो दोस्तों आपको मिलेगा गाइस एक डेडिकेटेड सिम स्लॉट मिलेगा, मतलब कि आप इसके अंदर दो सिम और एक मेमोरी कार्ड एक साथ यूज़ कर सकते हो। एंड दोस्तों बात करें हम इस फ़ोन के मतलब कि और भी कुछ ऐसे स्पेक्स के बारे में, तो बता दूं इसके अलावा और कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। जितनी स्पेसिफिकेशन थी मैंने सब आपको बता दी, लाइक इस फोन का बैटरी बैकअप बता दिए, कैमरा बता दिया, डिस्प्ले बता दिया, साथ दोस्तों फोन के हमने वेरियंट के बारे में बात कर लिया। दोस्तों भाई डिज़ाइन के बारे में बात कर लिया। दोस्तों जो प्राइस है ना वो गाइस अभी तक ऑफिशियल नहीं हुआ है, बट एक अंदाजा है कि दोस्तों इस फोन का प्राइस करीब 7000 से 8000 के बीच हो सकता है,
वो हमें गाइस 1 तारीख को पता चल जाएगा। एंड दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है इस फोन के बारे में। एंड दोस्तों भाई एक सवाल और, ये फोन आपका इंडिया के अंदर कब लॉन्च किया जाएगा? तो दोस्तों उन्हें बता दूं कि भाई इंडिया के अंदर ना कुछ कन्फर्म नहीं, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के अंदर धीमे धीमे करके इंडिया आपका अनलॉक हो रहा है। बट दोस्तों अभी भी इंडिया में कोरोना केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जिस वजह से आपके सारे फोन आउट ऑफ द इंडिया लॉन्च करे जाते हैं। दोस्तों बाद में उन फोन को इंडिया में लाया जाता है। तो मैं आपको एक अंदाजा दे सकता हूँ कि ये फोन आपका इंडिया के अंदर लॉन्च किया जाएगा करीबन अगले महीने, मतलब कि अगर जुलाई में इंडोनेशिया आ रहा है तो कैसे अगस्त में आपको इंडिया के अंदर कन्फर्म देखने के लिए मिल जाएगा। सो दोस्तों आप लोगों का क्या ख्याल है इस फोन के बारे में? दोस्तों क्या आप लोग इस फोन को परचेस करना पसंद करोगे? एंड दोस्तों क्या आप इस फोन की अनबॉक्सिंग देना चाहते हो मेरे चैनल के ऊपर? प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके बता देना। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन कर लेना, आपको ऐसी कमाल कमाल की वीडियो देखने भाई मिलती रहेंगी। सो दोस्तों मिलेंगे ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।